नमस्कार, आज मैं नया रेसिपी लेके आया है। चलिए मेरा नया रेसिपी क्या है। अभी सबसे पहले मेरे पास एक कॉर्न है, आप लोग ध्यान से देखिए, कहीं जगह पे भुंटा बोले जाएगा, कहीं जगह पे कॉर्न बोले जाएगा, तो अलग अलग देश में अलग अलग भाषा में अलग अलग परिचय में इसको जाने जाता है। तो मैं सबसे पहले मैं ये कॉर्न देके आज मैं भुजी बनाएगा, जैसा कि अंडा भुजी, मटन भुजी और चिकन भुजी बनाया जाता है, और उसके लिए मैं आज कॉर्न देके भुजी बनाता हूँ। कैसा बनाता हूँ मैं आप लोगों को देख, कॉर्न मैंने सबसे पहले ये एक ही कॉर्न लेके सफाई करके धो के रखा है, और मैंने आधा ये नारियल का टुकड़ा लिया है, मैं काट के रखा है रेडी करके, और मैंने लिया है कड़ी पत्ता लिया, आधा नींबू लिया मैंने, एक टमाटा लिया, अदरक लिया, लहसुन लिया, हरा मिर्चा आप लोग जैसा लेने का वैसा ले आपका लोग का हिसाब से। ये मैंने आधा एक चम्मच शक्कर लिया है, ये हींग लिया है, जीरा लिया, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, और मैं एवरेस्ट का ये मैं बिरयानी मसाला लिया है, और एक दो कांदा लिया है। मैंने एक कप में तेल रखा, थोड़ा पानी रखा है, क्योंकि पानी का ज़रूरत होगा तभी मैं यूज़ करूँगा। सबसे पहले मेरा जो काम है ये है नारियल पीसने का है, तो नारियल सबसे पहले मैं डाल देता हूँ। आप लोग देखो मैं कैसे बना रहा है, आप लोग जुड़े रहो मेरे साथ। अभी मेरा आधा नारियल हो चुका है, अभी मेरे को देने का एक कोन, एक कोन मेरे को ज़्यादा बारीक नहीं करने का, क्योंकि थोड़ा टुकड़ा टुकड़ा रखने का है। और मेरा किचन बहुत ही छोटा है, रखने का ज़्यादा है। बीच बीच में देखना पड़ेगा, ज़्यादा तो नहीं हो गया। तो मेरा रेडी हो चुका है, अभी चलिए मेरा तवा भी गर्म हो गया है। ये मेरा तवा गर्म हो चुका है, बहुत ही टेस्टी होता है, बनता है खाने में। आप लोग प्लीज़ एक बार घर में ट्राई कीजिए, और कैसा लगता है मेरा चैनल को कमेंट्स करके जरूर बताना कैसा लगता है। मैंने मीठा तेल दिया है, आप लोग कोई भी तेल से बना सकता है, घी से बनाएगा तो और अच्छा लगता है। हाँ, और एक चीज़ दिखाने में भूल गया आप लोगों को, ये मेरे पास घी है, वो घी में कब डालेगा कैसा डालेगा वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। बहुत टेस्टी बनता है, आप लोग प्लीज़ एक बार बनाइए घर पे। और सबसे पहले मेरे को जीरा डालने का है, मेरा तेल गर्म हो चुका है। मेरे को लहसुन डालने का, अदरक भी डाल दिया मैंने, ये मैं कड़ी पत्ता लिया था, कड़ी पत्ता भी डाल दिया। बहुत टेस्टी बनता है रोटी से, चावल से। मेरे को अभी कंदा भी डालने का है, अभी आप लोग देख सकता है, देखिए कितना अच्छा लाल गोल्डन कलर हो चुका है बिल्कुल भून के। अभी इसको डालने का है,
सबसे पहले ये जो हरा मिर्चा डालने का, आप लोग का हिसाब से डालना जितना डालने का, मैं 3 लिया है। और अभी मेरे को डालने का ये शक्कर डालने का, मेरे को डालने का हींग, मेरे को हल्का मिर्चा पाउडर डालने का है, ज़्यादा नहीं। मेरे को चाहिए नमक हिसाब से डालने का, कम होगा बाद में दे सकता है, ज़्यादा नहीं डालने का। मेरे को डालने का हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर थोड़ा कम हो गया। अभी मेरे को चाहिए ये जो बिरयानी मसाला है, इसमें से थोड़ा सा मेरे को मसाला चाहिए था। ये भी मैं डाल चुका है, ये मेरे पास है एक टमाटर कटा हुआ, अब आप लोग को देखने में ही मालूम चल रहा है ये मसाला कितना मस्त देखने में हो रहा है और खाने में कितना टेस्टी होगा। अब ये मेरे पास है घी, अभी मेरे पास जो ये अभी कौन पिसा के रखा नारियल, और नारियल मेरे को डालने का है। और प्लीज़ मेरा चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल फ्री है, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और पसंद आया तो कमेंट ज़रूर कीजिए। आप लोग घर में बनाइए खाइए कैसे लगता है जो मेरे साथ वो शेयर कीजिए। ये कीमा बहुत मस्त लगता है, अभी मेरे पास है ये आधा नींबू था, ये भी मैं निचोड़ के देता हूँ। मेरे से निचोड़ने के लिए नहीं हो रहा है, ठीक है, मैं निचोड़ के दिया है। अभी इसी तरीके से धीरे धीरे कम से कम 10 से 15 मिनट जिससे इसको भूनने का है। मैं आप लोगों को बताया कम से कम 15 मिनट लगेगा, तो मैं 15 मिनट तक अच्छा से धीरे धीरे भुना है। आप लोग देखिए बिल्कुल कीमा का तरीका, कीमा तो बना है जैसे मटन कीमा बनता है, चिकन कीमा बनता है, सेम वैसे ही तरीका का देखे बन गया है। ये रोटी में खाने में बहुत टेस्टी है, और मेरा बन के रेडी हो चुका है, आप लोग देख सकता है। तो अभी मैं बंद कर देता हूँ गैस, अभी मेरा ये रेडी हो चुका है। हाँ, मैंने आप लोगों के सामने मैं बिल्कुल बना के रेडी किया है। ये देखिए मटन कीमा चाहे भुजी जो भी बोला जाएगा आप लोग को बहुत टेस्टी होगा घर में, प्लीज़ आप लोग घर में बनाइए खाइए। और ये बिल्कुल मेरा चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करने का, लाइक करने का, शेयर करने का, कमेंट्स करने का बिल्कुल फ्री है। प्लीज़ आप लोग मेरा वीडियो ज़रूर देखिए, और ज़रूर अच्छा लगेगा, और अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और मेरा वीडियो को कमेंट्स करना ना भूलिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए।